ले चलते हैं आपको नारायणपुर की अगली खबर की ओर, जहां पर राजस्थानी इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में डांडिया उत्सव के साथ साथ बताते चलें विश्व स्माइल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। दिखाते हैं हमारे संवाददाता भारत शर्मा की खास रिपोर्ट। नारायणपुर में डांडिया उत्सव के इसके साथ साथ विश्व स्माइल डे के उपलक्ष में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें संस्थापक अशोक यादव द्वारा समस्त स्टाफ सहित क्षेत्रवासियों से निवेदन किया गया कि अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए भी मार्शल आर्ट नृत्य प्रतियोगिता के लिए भी प्रेरित करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बच्चे पढ़ते रहें और विद्यालय देश का नाम आगे बढ़ते रहे। समय समय पर इस प्रकार का आयोजन किए जाते हैं। यहाँ के बच्चे हैं क्षेत्र में कीर्तिमान भी स्थापित किया गया है। अभिनव बच्चों को इंस्पायर अवार्ड राशि से भी सम्मानित किया गया। इस क्षेत्र का सबसे सर्वोत्तम विद्यालय होने का कीर्तिमान भी स्थापित किया गया। समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है, जिसने इन्हें शाबाशी देकर नवाजा। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज चैनल। आज विश्व स्माइल डे के उपलक्ष्य में हम पहुंचे हैं राजधानी पब्लिक स्कूल के अंदर। यहाँ के संस्थापक अशोक जी यादव जी, मैं जानना चाहूंगा, सर नमस्कार। अभी जो आपने डांडिया नृत्य किया, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया, शिक्षा के साथ साथ आप अनेक गतिविधियां भी कराते रहते हो और क्षेत्र में और उपखंड नारायणपुर में आपके विद्यालय का नाम भी है और आपके बच्चे राजस्थान स्तर पर भी टॉप करते हैं, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए हर एक प्रकार की एक्टिविटियाँ बहुत ज़रूरी हैं। इसी श्रृंखला में आज डांडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के राजस्थानी सॉन्ग हमारे विद्यालय की छात्राओं के द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई और बच्चों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम हम समय समय पर आयोजित करवाते रहते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा, समय समय पर आयोजनों के साथ साथ आप अभी भ्रमण पर भी ले जाते हैं और आज विश्व हंसमुख दिवस भी है, तो इसके अवसर के आपके छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे मुस्करा रहे थे, हंस रहे थे, इससे स्वास्थ्य पे भी कितना फर्क पड़ता है, पढ़ाई और लिखाई में कितना मोटिवेशन मिलता है? हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और जब बच्चा प्रसन्न रहेगा तो ही सर्वग्रहण करेगा, पढ़ाई पूरा समझ पाएगा, अच्छा तरह से लर्न कर पाएगा। इसलिए हंसना स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी जितना खाना जरूरी है। तो हमारी राज्य सरकार को भी, जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने अपने विद्यालयों में फर्स्ट पीरियड है वो केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाया है, उसी प्रकार हमारे राज्य सरकार को भी इस बारे में प्रयत्न करना चाहिए, जिससे स्कूली शिक्षा में क्रांति आएगी। धन्यवाद सर। हमारे बीच में एक मैम भी खड़ी हैं। मैम नमस्कार, आपने जो अभी बच्चों को ये शिक्षा दीक्षा दी है, हमारे गुरु जी ने अभी आदेश भी दिया था, कोई बच्चा अगर सांस्कृतिक प्रोग्राम डांस वगैरह सीखना चाहता है, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो आप ऐसा समझते हैं कि इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे एजुकेशन के क्षेत्र में ही नहीं, बच्चे और भी फील्ड्स में आगे बढ़ रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स में, कोई डांस में, तो सभी एक्टिविटीज़ होना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई बच्चे किस बच्चे में कौन सा टैलेंट हो, ये देखने के लिए हमें ये सभी परफॉर्मेंस करवाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम टूर की बात करें, अभी कुछ दिन पहले हमारा टूर गया था मथुरा वृंदावन, तो इससे बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में भी पता लगता है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है। अभी जब बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस दी तो इससे पता लगेगा कि किस बच्चे में कितना टैलेंट है, वो किस फील्ड में आगे बढ़ सकता है, तो ये सब चीज़ें स्कूलों में समय समय पर होनी। मैं हमारे चैनल हेड्स मैम से कहना चाहूँगा, इसको ब्रेकिंग लगाएं, राजधानी पब्लिक स्कूल में एक खुशी की खबर है कि यहाँ पर जिन बच्चों ने इंस्पायर्ड अवार्ड राशि का जो पारितोषक वो मिला है, उसके बारे में गुरुजी से। सर नमस्कार, ये हमारे विद्यालय के लिए और क्षेत्र के लिए खुशी की बात है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पारितोषक भी मिलता है, इंस्पायर्ड अवार्ड राशि से कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं? सर नमस्ते। सर, इंस्पायर अवार्ड विज्ञान संकाय के उन विद्यार्थियों को मिलता है जो टॉपर 1% रहते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में। अब की बार कट ऑफ 90% गई, उसकी 90% अभाव हमारे 9 विद्यार्थी थे। इंस्पायर अवार्ड में 80,000 रुपये पर ईयर की छात्रवृत्ति बच्चे को मिलती है अगर वो बीएससी करता है, और 5 साल तक मिलती है। इस प्रकार एक बच्चे को 4,00,000 रुपये की स्कॉलरशिप मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। हमारे विद्यालय से इस वर्ष नारायणपुर क्षेत्र में हमारे विद्यालय से केवल 9 विद्यार्थी को 9 विद्यार्थियों को इंस्पायर अवार्ड मिला है, जो अब तक सर्वाधिक संख्या है। इनमें
सबसे पहले राजवर्धन सिंह है, जयवर्धन सिंह है, फिर स्वाति शेखावत है, विधि खंडेलवाल है, ऐसे इस प्रकार से कुल 9 विद्यार्थी हैं, यानी कुल 36 लाख की छात्रवृत्ति इस साल हमारे बच्चों को मिलेगी।